तो दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज स्टफ के स्टफी न्यूज वाले एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिग बॉस 18 की पहली दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कौन होने वाली है, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग मेरे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोज को जितना ज्यादा शेयर करोगे, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज न्यूज़ है, एक तरह से कहें तो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। दिग्विजय सिंह राठी और जो अभी बिग बॉस में ऑलरेडी कंटेस्टेंट बन के आए हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो इसलिए भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों बात करें कि बिग बॉस 18 की पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बिग बॉस 18 की जो पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है वो है दिग्विजय सिंह राठी। जी हाँ दोस्तों, वही दिग्विजय सिंह राठी जिन्हें आप अभी रिसेंटली स्प्लिट्सविला में देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वही दिग्विजय राठी भाई बिग बॉस 18 का पार्ट होने वाले हैं। और काफ़ी टाइम से यार ये न्यूज़ भी आ रही थी कि दिग्विजय सिंह राठी हमें बिग बॉस 18 में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था तो वहाँ पे यार हमें जितने भी 18 कंटेस्टेंट्स थे उनमें यार हमें दिग्विजय सिंह राठी देखने को नहीं मिले। लेकिन अब दोस्तों फाइनली हमें दिग्विजय सिंह राठी बिग बॉस 18 में देखने को मिलने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में। और दोस्तों ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जब दिग्विजय सिंह राठी स्प्लिट्सविला के बाद अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो वहाँ पे भाई बहुत सारे फैंस थे जो उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन भाई दिग्विजय सिंह राठी के जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे स्प्लिट्सविला में, उन्होंने भाई दिग्विजय सिंह राठी को कांग्रेट्स करा था एडवांस में, मतलब एक तरह से कहें तो प्रेस करा था बिग बॉस के लिए दिग्विजय सिंह राठी को। जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह राठी के जो बेस्ट फ्रेंड थे स्प्लिट्सविला में, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य की, उन्होंने भाई दिग्विजय सिंह राठी को प्रेस करा था बिग बॉस में जाने के लिए। जहाँ उन्होंने भाई अपने इंस्टा आईडी पे लिखा, मतलब जो लाइव हुआ था दिग्विजय सिंह राठी का फैंस के साथ, उसी लाइव में आके लक्ष्य ने भाई अपनी ऑफिशियल इंस्टा आईडी से दिग्विजय सिंह राठी के लिए लिखा था, अब बिग बॉस जीत जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बिग बॉस जीत जाए, यानी कि दोस्तों लक्ष्य को ऑलरेडी पता है कि दिग्विजय सिंह राठी बिग बॉस में आने वाले हैं। और से भी इतना ही नहीं दोस्तों, दिग्विजय सिंह राठी की जो सेकंड बेस्ट फ्रेंड है, मैं बात कर रहा हूँ डिकिला की। जी हाँ दोस्तों, डिकिला भी भाई स्प्लिट्सविला का पार्ट थी, दिग्विजय सिंह राठी के साथ को कंटेस्टेंट थी उसी शो में। उन्होंने भी भाई अपनी ऑफिशियल इंस्टा आईडी से दिग्विजय सिंह राठी को प्रेस करा था और लिखा था सी यू इन दी बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, सी यू इन बिग बॉस, यानी उनको भी पता है कि दिग्विजय सिंह राठी बिग बॉस 18 का हिस्सा होने वाले हैं। अब दोस्तों ये मैं आपको स्क्रीनशॉट पे इसलिए बता रहा हूँ, मतलब मेरे पास पूरी लाइव फुटेज है भाई, उसका वीडियो है, लेकिन भाई कॉपीराइट की वजह से, कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं भाई वीडियोस को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। भाई जो मेन चीज़ है स्क्रीनशॉट की, सिर्फ वही बता रहा हूँ, वो भी पूरे प्रूफ के साथ, ताकि आप लोगों की मेरी बात पर भरोसा हो जाए। भले ही दोस्तों दिग्विजय सिंह राठी से जब मीडिया ने पूछा था बिग बॉस 18 को लेके, तब भले ही उन्होंने भाई इस चीज़ को टाल दिया था या फिर स्मार्टली कोई दूसरा आंसर दे दिया था, ना उन्होंने यस कहा था या ना ही उन्होंने नो कहा था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं भाई सबको पता है कि बिग बॉस में दिग्विजय सिंह राठी आने वाले हैं। और दिग्विजय सिंह राठी ने भाई पूरा सस्पेंस क्रिएट करा था, मीडिया को भी भाई कुछ पता नहीं चलने दिया था, पर ऑलरेडी यार हम सब फैंस हैं तो हम सबको तो मालूम ही होगा। तो दोस्तों बात करें कि इसकी दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 18 की चलो पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होने वाली है। तो दोस्तों बिग बॉस 18 की जो दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है वो है कशिश कपूर। जी हाँ दोस्तों, कशिश कपूर वही है जिन्हें आप दिग्विजय के साथ ऑलरेडी भाई स्प्लिट्सविला में देख चुके हैं, और भाई कशिश की ही वजह से दिग्विजय को भाई फिनाले में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था। तो अब भाई ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये दोनों जब बिग बॉस में आएंगे
तो एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि स्प्लिट्सविला के बाद इन दोनों की इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। और ये बात भी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कशिश भी भाई जब स्प्लिट्सविला के बाद अपने फैंस के साथ लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, तो उनसे एक फैन ने पूछा था कि क्या आप बिग बॉस का हिस्सा होने वाली है, तब भाई कशिश ने कहा था, डायरेक्टली कह दिया था कि हाँ भाई मैं बिग बॉस में होने वाली हूँ, यस आई एम इन बिग बॉस। ये भाई उनके एग्जैक्ट वर्ड थे जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी और जब उनसे फैन ने पूछा था बिग बॉस 18 को लेके। और दोस्तों इसका भी वीडियो मेरे पास है, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं अगेन भाई आपको बता रहा हूँ, कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ही बता रहा हूँ। तो भाई आप लोग देख लेना कि भाई ये दोनों ही कंटेस्टेंट भाई बिग बॉस में आने वाले हैं और पूरी तरीके से ये बात भाई कन्फर्म है। और दोस्तों अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है अभी बिग बॉस के घर के अंदर जिसके साथ भाई दिग्विजय सिंह राठी की ऑलरेडी बात हो चुकी थी, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि वो कंटेस्टेंट कौन है। तो दोस्तों वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं, वो कंटेस्टेंट है रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल की ऑलरेडी दिग्विजय सिंह राठी से बात हो चुकी थी बिग बॉस में आने से पहले, जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। जब रजत दलाल बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाले थे, उसके पहले दिग्विजय सिंह राठी ने वीडियो कॉल करा था रजत दलाल को। अब उनके बीच क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों आप समझ रहे हैं ना कहीं कनेक्शन समझ रहे हो इस चीज़ का, यानी कि भाई इन ये लोग पहले से कहीं कुछ प्री प्लान कर रहे होंगे। जो भी कुछ है भाई इनके बीच नॉर्मल भी बात हो सकती है या फिर बिग बॉस 18 को लेकर भी बात हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये दोनों ही जो कंटेस्टेंट है वो भाई बिग बॉस में आने, मतलब रजत दलाल ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन बिग बॉस में भाई अभी दिग्विजय सिंह राठी भी आने वाले हैं और उनका भाई एक कंटेस्टेंट से बात करना, तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो एक अच्छी न्यूज़ है। तो अब ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि दिग्विजय सिंह राठी की भाई रजत दलाल से मतलब बनेगी लड़ाई या होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो भी होगा भाई बहुत ही मज़ेदार होगा, हम सब फैंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा और कशिश और दिग्विजय की फाइट्स भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इन दोनों कंटेस्टेंट्स में से कौन पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है, क्या वो दिग्विजय होगा या फिर कशिश होगा, ये तो भाई मैं नहीं जानता, ये तो भाई बिग बॉस के मेकर से डिसाइड करेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि दिग्विजय और कशिश हमें अब बिग बॉस 18 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन भाई आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको भाई जितना हो सके शेयर कर देना। मैं एम करता हूँ 10,000 व्यूज का। अगर मेरी इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं एम करता हूँ 10,000 व्यूज का इस वीडियो पे। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना। और आप किस कंटेस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस में, दिग्विजय सिंह राठी के लिए या फिर कशिश कपूर के लिए या फिर दोनों के लिए, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।